काशु की पैदाइश हुई थी तो बड़ी एक खुशियाँ धूम धड़क का खूब मचाया, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चियों की तादाद ज़्यादा थी और लड़के थे ही नहीं। काशिफ की पैदाइश के एक डेढ़ दो महीने बाद काशिफ बीमार सा रहने लगा, उसका माँ का दूध नहीं पीता, सफ़ेदी पीला पड़ने लगा। डॉक्टर साहब हमसे कह रहे हैं अब दोनों मियाँ भी थैलेसीमिया माइनर हैं, आपका बच्चा थैलेसीमिया मेजर का पैदा हुआ, और थैलेसीमिया मेजर का मतलब इसके जिस्म में ब्लड बनाने की मशीन नहीं है, ब्लड खाने की मशीन है। जब तक ये बच्चा ज़िंदा रहेगा उसको ब्लड लगता रहेगा। डॉक्टर ने कहा कि आप इसका ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। अब काशिफ 16 साल का हो रहा है ना, काशिफ को 16 साल में इतना ब्लड लगा कि इसके बॉडी में आयरन बहुत बढ़ गया, तो उसका आयरन बहुत शूट कर गया, 140 से उसका आयरन चला गया 7700। वो मुझसे कहता अब वो एक टिकट ला दो, एक पाउंड का लाइट तो मैं नहीं ला के देता। कहने फिर काशिफ क्या करोगे तुम, मेरा टिकट निकला लाटरी का, इतना बड़ा थैलेसीमिया सेंटर बनाऊंगा, ये बगैर रिकॉर्डिंग भी थी मेरे पास। वो उसकी ख्वाहिश थी। कौन सी वाली लेनी बता। काशिफ को अब एक वक्त ऐसा आया कि उसको खून जली जली लग रहा था, 6 बोतल 8-8 बोतल, उसका 7700 से आयरन क्रॉस करके 11000 चला। आप क्या करेंगे, गुब्बारे में कितनी हवा भरेंगे आप, गुब्बारे ने फट जाना है ना। मैंने काशिफ किया ना एक तकलीफ दम मौत देखी उसका, मैंने दिल फटते देखा है। उसकी मैंने आंख नाक से खून की धार निकलते देखी है। या अल्लाह इतना कुछ किया, और ऐसी मौत हो गई। काशिफ 1996 15 मार्च काशिफ हमसे जुदा हुई है। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर जिस बच्चे के नाम से है, आज बच्चा इस दुनिया में नहीं है, बेटा हमारा इस दुनिया से आज गए हुए 22 साल हो गए, मैं खुद भी आज 60 साल का हो गया, 22 साल से जब भी देखती आज हज़ारों लाखों करोड़ों बच्चों की ज़िंदगी का सबब इस काशिफ को अल्लाह ने बनाया। मैं सोचता हूँ कि ये एक अल्लाह अपने बंदों से काम लेता है, अरबों लोगों में चुनता है अपने बंदे, उसमें एक काशिफ भी था, उसके वसीले से हम भी थे।